फाइनली अजमेर शरीफ में नूर बरस रहा, बारिश बरसने लग गई माशाल्लाह। और अभी चलो थोड़ी देर में चादर जाएगी, थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे नज़ारा यहाँ का। तो अभी बारिश होने लग गई है माशाल्लाह, नूर बरस रहा है आज सरकार में। तो आपका दोस्त मिस्टर खान, तो अजमेर शरीफ में तिरंगे वाली चादर आ गई है माशाल्लाह। तो मैं जाता हूँ और आपको तिरंगे वाली चादर दिखाता हूँ वहाँ पर जाके। तो अभी तिरंगे वाली जो चादर आई है वो दिखाता हूँ मैं आपको। और आज एक तो दिल्ली गेट है और दिल्ली गेट में तिरंगे वाली चादर आ चुकी है माशाल्लाह। और ये बहुत खूबसूरत चादर है भाई, तो देख सकते हो। तो देख सकते हो ये हर साल अजमेर में अजमेर शरीफ से निकलती तिरंगे वाली चादर देख सकते हो ये हर साल। पिछले साल भी एक वीडियो शूट किया था मैंने आप लोगों के लिए तिरंगे वाली चादर की, और इस बार भी कर रहा हूँ आपको देख सकते हो। तो ये अजमेर शरीफ के लोग लेके आते हैं तिरंगे वाली चादर, जो मैं किसी से बात करता हूँ और पूछ के बताता हूँ। अपना अजमेर की अजमेर खानपुर से क्या? तो गाइस देख सकते हो अजमेर में खानपुरा एरिया है, वहाँ से आई है चादर माशाल्लाह। देख सकते हो कितनी खूबसूरत चादर बनाई है भाइयों ने। तो ये अजमेर की खानपुरा की चादर है। ख्वाजा सदा नवाज़, तो देख सकते हो खानपुरा से आई चादर ये अजमेर की चादर है खानपुरा की, जो कि तिरंगे के साथ निकलती है। देख सकते हो चादर खानपुरा की चादर आ चुकी है माशाल्लाह, और अभी अंदर जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हो खानपुरा की चादर ही है और बहुत खूबसूरत चादर है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ का पूरा मॉल के साथ। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब? तो खानपुरा अजमेर शरीफ से चादर आई है माशाल्लाह, और ये बहुत खूबसूरत चादर है, और क्या बोलते हैं तिरंगे वाली चादर है। पिछली बार भी मैंने वीडियो शूट किया था और आपको दिखाया था, और इस बार भी आप देख सकते हो कितना खूबसूरत चादर है। तो देख सकते हो गाइस माशाल्लाह ये चादर खानपुरा से आई है, जो कि अजमेर का एक एरिया है, यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर है, शायद 15। तो वो लोग यहाँ से चादर बना के लेके आते तिरंगे वाली चादर माशाल्लाह। देख सकते हो पिछले बार भी वीडियो शूट किया था मैंने इस तिरंगे वाली चादर का, वो ब्लैक कलर की थी, अभी वाइट कलर की माशाल्लाह। और बहुत खूबसूरत चादर ऐसे ही लेके आते हर साल ये, और बहुत शानदार। और एक चीज़ हमारा अजमेर में बहुत एकता, हिंदू मुस्लिम और सब, मतलब जितने भी धर्म के लोग रहते हैं ना, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, और यहाँ पर एकता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर मुस्लिम जुलूस निकलता है तो हिंदू भाई लोग स्वागत करते हैं, और अगर कोई हिंदू जुलूस निकलता है तो दरगाह शरीफ से भी स्वागत किया जाता है कोई भी जुलूस का। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाईचारा और एकता है माशाल्लाह। तो ये देखने वाली बात है और मिसाल की बात है एक। तो देख सकते हो चादर है और माशाल्लाह अभी पास में दरगाह में जाएगी तब मैं वीडियो शूट करूँगा। और थोड़ा बरसात का मौसम हो गया, बारिश भी हो रही है थोड़ा थोड़ा, तो बाकी माहौल अच्छा है, चाहे बरसात हो जाए कुछ भी हो जाए, पर ये चादर लेके जाएंगे माशाल्लाह दरगाह शरीफ तक, भीगते हुए जाएंगे। ये ख्वाजा के आशिक है और इनको कुछ भी नहीं सोचता, बस दरगाह शरीफ कैसे भी करके पहुँचना, चाहे भीगते हुए जाए चाहे कैसे भी जाए, और दरगाह शरीफ पहुँचेंगे लेके चादर। जब ये दरगाह शरीफ पहुँचेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। फाइनली अजमेर शरीफ में नूर बरस रहा, बारिश बरसने लग गई माशाल्लाह। और अभी चलो थोड़ी देर में चादर जाएगी, थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे नज़ारा यहाँ का। तो अभी बारिश होने लग गई है माशाल्लाह, नूर बरस रहा है आज सरकार में। तो बारिश होने लग गई, बहुत तेज हो गई बारिश, देख सकते हो यहाँ पर। और अभी मेला चल रहा है, फिर मेले में बारिश हो रही है।
देख सकते हो बारिश हो रही है और भाई चादर लेके जा रहे हैं, क्या बात है माशाल्लाह। सही है सही है। और मैं भी भागता हूँ, मैं भी भागता हूँ वापस लौटता हूँ। बारिश होने लग गई है और मेरी वीडियो हो चुकी है फाइनल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इन छोटा भाई तो मैंने सपोर्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। ऐसी भीगते हुए तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ मैं, देख सकते हो माशाल्लाह रहमत बरस रही है अजमेर शरीफ में। तो मैं तो भीग चुका हूँ पूरा और ये फ़ोन भी भीगने वाला है थोड़ी देर में। तो अभी फ़ोन के बचाने के लिए मेरे को भागना पड़ेगा। तो दरगाह को लोगों ने पहले धोया, अब अल्लाह की तरफ से बारिश हो रही है। तो ये अल्लाह के वली हैं भाई, तो अल्लाह की तरफ से बारिश हो रही तो माशाल्लाह पूरी दरगाह वैसे ही धुल जाएगी। तो अभी मैं भीग गया हूँ थोड़ा सा, अभी गया था मैं वीडियो शूट करने। तो पहले तो सुबह तो कुल हो गया, अब देखो माशाल्लाह रहमत बरस रही है अजमेर शरीफ में और अल्लाह खुद बारिश कर रहा है अपने वली के ऊपर, क्या बात है। चौखट को कल अभी मतलब सुबह के टाइम पब्लिक खुद धो रही थी माशाल्लाह, और गुलाब जल से इतर से पूरी दरगाह को धुला जाता है, पूरा कुल मनाया जाता है। तो माशाल्लाह गरीब नवाज की चौखट पे और गरीब नवाज सरकार के ऊपर अल्लाह खुद अपनी रहमत बरसा रहा है माशाल्लाह। तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, बाहर बारिश हो रही है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। तो अब अल्लाह की रहमत बरस रही है गरीब नवाज सरकार के ऊपर, मानना पड़ेगा भाई अल्लाह के वली है तो माशाल्लाह अल्लाह भी सही है। तो अगर आप लोग देख सकते हो गाइस अजमेर शरीफ में रहमत की बारिश हो रही है, आज लगातार दूसरे दिन भी यहाँ पर अजमेर शरीफ में बारिश हो रही है और बहुत ख़तरनाक वाली बारिश हो रही है। तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो अजमेर शरीफ का नज़ारा बारिश का, तो यहाँ पर बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही है। देख सकते हो गाइस लगातार दूसरे दिन में बारिश हो रही है, लोग छाता लेके अपने घरों पर जा रहे। तो माशाल्लाह ये गरीब नवाज सरकार की चौखट पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। और आज 6 मार्च है, देख सकते हो 6 मार्च को कोई मानसून का मौसम नहीं है, जो देख सकते हो कोई बारिश का मौसम नहीं है, पर यहाँ बारिश हो रही है और बहुत खूबसूरत बारिश हो रही है। देख सकते हो दूसरे दिन भी लगातार। तो मैं आपको नीचे नीचे का नज़ारा दिखा रहा हूँ, मेरा कैमरा दिख रहा है पर फिर भी मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। देख सकते हो सामने दुकान लगा था, दुकान भी बंद हो चुकी है, बारिश होने लग गई है, तो पूरा मार्केट लगा था वो वहाँ पर। देख सकते हो गाइस आधे घंटे पहले यहाँ बारिश हो रही थी माशाल्लाह, तो यहाँ अल्लाह का नूर और रहमत बरस रहा था। देख सकते हो अभी भी सड़कें गीली हैं, देख सकते हो थोड़ी बहुत, और अब धूप निकल गई है माशाल्लाह। तो ये कह सकते हो तो गाइस फाइनली माशाल्लाह अजमेर शरीफ में रहमत बरस रही है, जो कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे बारिश हुई है गरीब नवाज सरकार चौखट में, और मतलब रहमत और नूर बरस रहा है। तो आप लोगों ने कल देखा था कि यहाँ पे कल कुल शरीफ था, आज 10 तारीख है और कल कुल था 9 तारीख का, जो कि लोग बाग वहाँ पर गए थे दरगाह शरीफ में फूल इतर से और क्या बोलते हैं वो गुलाब जल से दरगाह को धोया, और आज अल्लाह ताला ने अपनी नूर से दरगाह शरीफ को धो दिया, क्या बात है माशाल्लाह। तो अपनी नूर की रहमत की बारिश करी गरीब नवाज सरकार चौखट पर। तो अभी देख सकते हो बारिश हुई थी यहाँ पर, जो बारिश का पानी अभी सूख गया है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा माहौल हो गया है अब। और मैं बाहर का वीडियो दिखाता हूँ, ये पूरा मार्केट अभी बंद था, थोड़ा बहुत वीडियो पहले का शूट किया वो भी देख लेना आप, ये पूरा मार्केट बंद था अब खुल गया है वापस। मैं वो मार्केट में माशाल्लाह, तो चाचा हमको मिले तो चाचा बताएंगे कि कल तो कुल था, जो कि पब्लिक ने दरगाह शरीफ गए वहाँ पे कुल किया, लोगों ने दरगाह शरीफ को धोया, और आज सुबह बारिश हुई और कल रात को भी बारिश हुई थी। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसाई और क्या बोलते अपने अल्लाह ने नूर खुद दरगाह मतलब अपने वली पे बरसाया, राइट। तो आप क्या कहना चाहोगे? आज करम खुदा का ये हो गया कि अजमेर शरीफ में खुदा की रहमत बारिश हुई। हाँ। और खुदा की रहमत बरसी, हम लोग मुंबई से भी आए हुए हैं, बरेली शरीफ का रहने वाला हूँ, कस्बा साई का, ऐसी रहमत हर साल बरसे, के आने वाले पूरी नहाते रहे, रहमतों से मालोमाल रहे, राजा का सब पे करम है, पूरा रोड खुदा ने धो दिया, क्या बात है सुभान अल्लाह। तो आप देख सकते हो लोगों ने सिर्फ जाकर के दरगाह को धुला और कुल मनाया, और अल्लाह ने अपनी रहमत से पूरे अजमेर शरीफ को धो दिया, रोड को धो दिया, क्या बात है सुभान अल्लाह, बड़ा करम है ख्वाजा का। और पूरी पब्लिक ने अल्लाह के नूर से नहा लिया माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ख्वाजा गरीब नवाज का करम हो गया, जगह पूरी धुल गई, साफ हो गई, क्या बात है, मेरा भी सफा हो गया, सब लोग भी सफा। तो मिलते नहीं शुरू, देख सकते हो मैं अजमेर के न्यू मार्केट में हूँ, जो कि न्यू मार्केट ये मेले के टाइम लगता है, और ये कल मार्केट खत्म हो जाएगा, जो कि आज शाम तक खत्म हो जाएगा 10 तारीख के चांद की। तो यहाँ पर हमको भाई मिले हैं जो कि मेरे दोस्त के पापा हैं, तो ये बहुत जोरदार बनाते हैं। भैया इसका नाम क्या है? लक्की चाट।
तो देख सकते हो इसका नाम लक्की चाट है और ये बहुत खूबसूरत बनाते हैं। दही वड़ा और ये चने, ये दोनों मिला के देख सकते हो ये चाट बनता है और बहुत टेस्टी रहता है। मैंने खाया और अभी टेस्ट करके बताता हूँ। तो ये न्यू मार्केट में अभी लगा हुआ फिलहाल, और बाकी समय में आप नाला क्या बोलते हैं दरगाह बाजार में, है ना? दरगाह बाजार में कितने बजे से कितने बजे तक? 5 घंटे। टाइमिंग बताओ, सुबह या शाम? सुबह के 10 बजे से शाम को 4 बजे तक दरगाह बाजार में आपको ये मिल जाएंगे। तो इनका बहुत टेस्टी रहता है ये चाट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। क्या बात है, क्या बात है। तो देख सकते रात के 2 बज रही है,